नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे की लाठी। राजीव के घर जब नन्हे हर्ष ने जन्म लिया तो उसका घर खुशियों से भर गया। रात को हर्ष के जागने पर उसको सुलाना और गंदा करने पर डायपर बदलने का काम राजीव का था। चूंकि सुमन पूरा दिन घर के साथ साथ हर्ष का भी काम करती रहती थी तो रात को उसको आराम करना जरूरी हो जाता था। सुमन की शुरुआत में कई रातें जाग कर हर्ष को सुलाने में ही बीती थी, लेकिन फिर दिन भर काम और रात को भी जागने से उसकी तबीयत खराब होने लगी तो राजीव ने रात में हर्ष के जागने पर उसकी जिम्मेदारी खुद पर डाल ली। धीरे धीरे समय बीत गया और हर्ष जब चलने लायक हुआ तो दिन भर सुमन को अपने पीछे पीछे दौड़ाने लगा। ऐसे ही हंसते खेलते दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। हर्ष अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। आगे MBA पढ़ने के लिए वो अमेरिका जाना चाहता था। राजीव और सुमन ही जानते थे कि किस तरह से उन दोनों ने मिलकर उसको इंजीनियर बनाया था। उसका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी कभी हर्ष की किसी भी जरूरत में कमी नहीं आने दी। खुद राजीव सस्ता फोन चलाता था, लेकिन हर्ष को स्मार्टफोन दिला रखा था। खुद नए जूते या कपड़े लिए हुए उसको सालों हो गए थे, लेकिन साल में 2 से 3 बार बेटे के लिए नए कपड़े और जूते जरूर आते थे। हर छोटी बड़ी जरूरत हर्ष के बोलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। अब जब हर्ष ने अमेरिका जाकर MBA करने का मन बना लिया तो राजीव उसे मना नहीं कर पाया। हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा आदमी बने और दुनिया में नाम कमाए। सुमन ने चिंता भी जाहिर करी कि राजीव कैसे वो उसके अमेरिका जाने के सपने को पूरा करेंगे, लेकिन राजीव ने उसे समझा लिया, पर खुद मन ही मन चिंतित रहा कि कैसे आखिर वो पैसों का इंतजाम करेगा। ऐसे ही वह एक दिन ऑफिस में राजीव को चिंता में डूबा हुआ देखकर उसके सहकर्मी साहिल ने पूछ लिया, अरे वर्मा जी, क्या बात है? आजकल देख रहा हूँ कि तुम बड़े उदास से रहते हो, कोई बात हो तो बताओ मुझे, मैं कोई शायद हल निकाल सकूं। साहिल ने वही पास पड़ी कुर्सी खिसका कर राजीव से बोला। कुछ देर चुप रहने के बाद राजीव ने अपनी परेशानी का कारण उसको बता दिया। साहिल पहले तो 2 मिनट तक राजीव का मुंह देखता रहा, फिर बोला, यार तुमने स्टूडेंट लोन या लोन के बारे में नहीं सुना क्या? हाँ सुना तो है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। मुझे कैसे क्या करना होता है इसमें नहीं पता मुझे, साहिल की तरफ देखते हुए राजीव बोला। अरे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ तुम्हें। देखो, बैंक उच्चतर पढ़ाई के लिए लोन देता है, वो पढ़ाई चाहे अपने देश में हो या विदेश में, लोन पढ़ाई करने वाले के नाम से ही मिलता है, जिसमें माता या पिता सह आवेदक होते हैं। लोन का पैसा लोन लेने वाले को ही चुकाना पड़ता है। मतलब ये कि अगर तू हर्ष की पढ़ाई के लिए लोन लेता है तो लोन की किस्तें हर्ष को ही चुकानी पड़ेंगी, समझाते हुए साहिल बोला। लेकिन राजीव अभी भी कुछ दुविधा में था। समझे नहीं क्या? अच्छा मैं फिर से बताता हूँ। दरअसल बैंक उन बच्चों को पढ़ने के लिए लोन देता है जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं और जो यही देश में रहकर अपनी उच्च स्तरीय की पढ़ाई करना चाहते हैं। लोन भी उन्हीं बच्चों के ही नाम पर होता है, जिसकी किस्तें उन्हें ही चुकानी पड़ती हैं। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब, मतलब इसमें जिस बच्चे को पढ़ने का लोन मिलता है वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद धीरे धीरे उस लोन को चुका सकते हैं। कुछ बैंक पढ़ाई पूरी होने के बाद 6 माह का समय देते हैं बच्चों को लोन चुकाने के लिए। ये लोन चुकाने की अवधि अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है, साहिल ने थोड़ा और विस्तार से राजीव को बताया। अब मैं समझ गया, अगर मैंने हर्ष के नाम पर लोन लिया पढ़ाई के लिए तो उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे नहीं बल्कि उसी को लोन चुकाना पड़ेगा, राजीव ने ये बात को समझते हुए बोला और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद यार साहिल, तूने मेरी एक बहुत बड़ी चिंता को दूर किया है, बाकी जानकारी मैं बैंक जाकर ही ले लूँगा, थोड़ा शांत होते हुए राजीव बोला। फिर उसी दिन ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर राजीव ने एक बैंक से सारी जानकारी ली और फॉर्म भी लेते हुए घर की तरफ खुशी खुशी निकल पड़ा। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हर्ष के नाम का लोन पास हो गया। तयशुदा समय पर उसने अपनी फ्लाइट पकड़ी और निकल गया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सुमन ने अपनी भीगी पलकों से अपने बेटे हर्ष को विदा किया। राजीव ने सुमन को समझाया भी कि बस 1 साल की बात है
और ये एक साल भी यूं पलक झपकते ही बीत जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिर्फ राजीव की सोच थी, उसके बेटे हर्ष की नहीं। हर्ष का एमबीए भी पूरा हो गया, लेकिन वो वापस नहीं आया क्योंकि अब उसकी वही जॉब लग गई थी। शुरू शुरू में तो हर्ष राजीव और सुमन से बात करता था, फिर धीरे धीरे वही होने लगा जो अमूमन ऐसे परिवारों में होता है कि बेटा विदेश में है और माँ बाप बस उसकी राह ही ताकते रहते हैं। इसी तरह से एक और साल बीत गया, लेकिन हर्ष अभी भी नहीं आया था वापस अपने माँ बाप से मिलने। राजीव और सुमन का भी वही हाल होने लगा था जो हर माता पिता का होता है, जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर अलग हो जाते हैं और फिर पलटकर कभी नहीं देखते। सुमन तो बेटे की याद में बीमार रहने लगी थी। कई बार राजीव ने हर्ष को फोन करके एक बार आकर अपनी माँ से मिलने को बोला, लेकिन हर बार हर्ष का एक ही जवाब होता था, अभी नई नई नौकरी लगी है। पापा, इतनी जल्दी कैसे छुट्टी मिल पाएगी मुझे? आप मम्मी को समझाइए, मुझे जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं आ जाऊंगा। राजीव किसी तरह से सुमन को तो समझा लेता है, लेकिन बेटे की याद में राजीव दिल ही दिल में रो लेता था। राजीव और सुमन दोनों ही हर्ष के गम में घुल रहे थे। ऊपर से अभी तक राजीव हर्ष की इंजीनियरिंग का कर्ज भी नहीं चुका पाया था कि एक दिन उसके सिर पर तब बम फूटा जब बैंक से एक नोटिस आया। नोटिस पढ़कर राजीव को पता चला कि हर्ष के लोन की किस्तें काफ़ी समय से नहीं गई हैं। नोटिस पढ़ते ही राजीव का दिमाग ही जैसे घूम गया। अभी तक तो वो किसी तरह से हर्ष की इंजीनियरिंग का लोन ही चुका पाया था और अब ये मुसीबत भी गले आ गई थी क्योंकि वो उस लोन में सह आवेदक था। तो अब या तो उसको लोन भरना पड़ता या फिर हर्ष को बोलना पड़ता कि वो लोन चुकाए। राजीव ने दूसरा रास्ता चुना और हर्ष को फ़ोन लगाया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया। हेलो जी, मुझे हर्ष से बात करनी है, क्या आप उससे मेरी बात करवा सकती हैं? राजीव ने उस लड़की के हेलो कहने पर बोला, तुम कौन बोल रही हो? हर्ष अभी बाथरूम में है, जब बाहर आएगा तो मैं उसको बता दूंगी कि तुमसे बात कर ले, तुम अपना नाम बता दो, टूटी फूटी हिंदी में उस लड़की ने बोला। तो राजीव ने उससे ही उल्टा सवाल कर लिया कि वो कौन है। लड़की ने बोला, मैं हर्ष की वाइफ लूलिया बोल रही हूँ। तुम कौन? किसी तरह से खुद को संभालते हुए राजीव ने बताया कि वो हर्ष के पापा राजीव वर्मा बोल रहे हैं। अब चौंकने की बारी उस लड़की लूलिया की थी। क्या बोला तुमने, तुम हर्ष के फादर बोल रहे हो? बट हर्ष तो बोला कि उसका फादर मदर नहीं है और अकेला है, तुम जरूर कोई फ्रॉड बोल रहे हो, तुम फोन रखो एंड डोंट टॉक अगेन, कहकर लुलिया ने फोन काट दिया। राजीव अब समझ चुका था कि राजीव हर्ष के वापस न आने और लोन न चुकाने के पीछे क्या कारण था। राजीव ने अब ये बात सुमन को बताना ही बेहतर समझा क्योंकि वो जान चुका था कि अब सुमन से और झूठ बोलना या झूठी तसल्ली देना ठीक नहीं है। किसी तरह से हिम्मत करके राजीव ने सारी बातें सुमन को बता दी। सुमन पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। जिस बेटे के लिए इतनी अरमान दिल में दबाए बैठी थी, उस बेटे ने सब पर पानी फेर दिया था। ये सदमा सुमन बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसको एक नई जिंदगी मिल गई। डॉक्टर साहब ने किसी भी तरह से कोई भी टेंशन लेने से मना कर दिया था। सुमन ने भी ठान लिया था कि अब वो उस बेटे की परवाह नहीं करेगी जिसने उन दोनों की परवाह नहीं करी। लेकिन बैंक वालों से इस बात का क्या लेना देना भला, उन्हें तो बस अपने पैसे से मतलब होता है। वो लोग राजीव को परेशान करने लगे थे। अब तो हर्ष का नंबर भी नहीं लगता था और यहाँ तक कि हर्ष ने खुद से भी उन लोगों को फोन नहीं किया। बैंक वालों ने अभी भी राजीव को परेशान करना बंद नहीं किया था, इसलिए उसने अपना घर बेचकर सारा लोन चुका दिया और सुमन को लेकर एक किराए के मकान में रहने लगा। नौकरी से मकान का किराया और घर का खर्च चलाने लायक सैलरी मिल जाती थी, लेकिन अब उनके जीवन में कोई खुशी जैसे नहीं रह गई थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। राजीव और सुमन अपने बेटे हर्ष की याद में मन ही मन घुलते जा रहे थे। बस ऊपर से खुश होने का दिखावा दोनों का चलता रहता था। एक दिन ऑफिस में बैठा राजीव अपना काम कर रहा था कि चपरासी ने आकर उसे बताया कि कोई उससे मिलने आया है। राजीव ने एक पल के लिए तो ये सोचा कि कहीं बैंक वाले तो नहीं आ गए, फिर अगले ही पल उसे याद आया अब तो सारा लोन उसने चुका दिया है।
फिर भला बैंक वाले तो हो ही नहीं सकते। खैर, उसने अपनी सोच को विराम दिया और कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ चल पड़ा, उस शख्स से मिलने जो राजीव का इंतजार कर रहा था। बाहर जब राजीव ने बेंच पर बैठे शख्स को देखा तो एक पल को उसके चेहरे पर कई भाव आए और गए, लेकिन अगले ही पल फिर से चेहरा सख्त हो गया था। धीरे धीरे कदमों से राजीव उस शख्स के पास पहुंचा और बोला, अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने, अब क्या लेने आए हो मुझसे? अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, सिर्फ मेरी बर्बादी ही है अब मेरे पास। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उस गलती की सजा भी मैंने काट ली है। पैरों पर गिरते हुए और रोते हुए हर्ष ने जब बोला तो राजीव का कलेजा फट पड़ा, लेकिन अभी भी उसने खुद को सख्त ही रखा हुआ था। पापा, मैं हमारे घर गया था लेकिन पता चला कि आपने उसको बेच दिया और कहीं और रहने लगे। मैंने दूसरे घर का पता जानना चाहा, लोगों को नहीं मालूम था इसलिए मैं आपके पुराने ऑफिस में गया था। वहां से पता चला कि आपका वो ऑफिस भी किसी कारण से बंद हो गया। मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप नहीं मिले। एक दिन साहिल अंकल मिले थे मुझे, जो उन्होंने बताया कि आप यहाँ काम करने लगे हैं, तो मैं यहाँ आ गया आपसे मिलने। पापा मम्मी कहाँ हैं? कैसी है वो? बहते हुए आंसुओं के साथ हर्ष ने पूछा तो राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस ऑफिस में अंदर की तरफ चल दिया। हर्ष अभी भी नम आंखों से ही अपने पिता को जाते हुए देख रहा था। जब राजीव उसकी आंखों से ओझल हो गया तो हर्ष भी थके कदमों से ऑफिस के बाहर निकल आया। इधर राजीव का मन अब ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, अब उसको रह रहकर अपने बेटे हर्ष की याद सता रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर इतने सालों बाद उसका बेटा वापस लौट कर आया है, और वो है कि उसको गले लगाकर उसका हालचाल पूछने की जगह उसको खरी खोटी सुना दी। यही सब सोचते सोचते ऑफिस की छुट्टी हो गई और राजीव घर के लिए निकल गया ऑफिस से। घर पहुंचकर कुछ बेचैन सा था राजीव। सुमन पूछ बैठी, क्या हुआ जी, आप आज कुछ परेशान से लग रहे हैं, ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? राजीव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को बताए या नहीं कि उसका बेटा लौट आया और उसकी मुलाकात भी हुई थी। फिर कुछ सोचकर राजीव बोला, सुमन, अगर अपना हर्ष लौट आए तो? ये बात सुनकर पहले तो सुमन के चेहरे पर खुशी और फिर कठोरता सी छा गई और उसने बहुत ही रुखेपन से बोला, आए या ना आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने एक बार भी हम बूढ़े माता पिता के बारे में नहीं सोचा कि उसके बिना कैसे रहेंगे, तो भला हम क्यों उसके बारे में चिंता करें? उसने हमारे सपने तोड़ दिए और आज इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया। जिस घर को मैंने अपने हाथों से इतने प्यार से बनाया सजाया था उसको बेचना पड़ा और इस बस्ती में आकर रहना पड़ रहा है। राजीव ने जब ये सुना तो एक पल के लिए उसका दिल धक से हो गया कि राजीव सुमन ने अपने मन को कठोर कर लिया है। फिर भी उसने आज हर्ष से हुई मुलाकात के बारे में बताना जरूरी समझा और सुमन को अपने पास बिठाकर बोलना शुरू किया, सुमन यहाँ आओ मेरे पास बैठो, तुमको एक बात बतानी है। सुमन के बैठने के बाद कुछ पल खामोश रहकर राजीव ने बोलना शुरू किया, पता है सुमन, आज मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था तभी घनश्याम ने आकर बताया कि कोई मुझसे मिलने के लिए बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। कहकर राजीव चुप हो गया और सुमन के चेहरे पर कई तरह के भाव आए और चले गए। कौन आया था मिलने के लिए जी? कहीं कोई बैंक से तो नहीं आया था? फिर हमने तो सारा पैसा चुका दिया था ना, तो फिर भला क्यों आए बैंक वाले? थोड़ा घबराने के साथ सुमन ने जब बोला तो राजीव ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे नहीं रे बाबा, बैंक से कोई नहीं आया था। बल्कि इतना कहकर राजीव फिर से चुप हो गया। अरे आप चुप क्यों हो गए? बताते क्यों नहीं कि कौन आया था? क्यों आप पहेलियां बुझा रहे हैं, मुझे भी उलझन में डाल रहे हैं, थोड़ा और बेचैन होकर सुमन ने बोला तो राजीव के मुंह से निकला, हर्ष, हर्ष आया था आज मुझसे मिलने के लिए। हर्ष का नाम सुनते ही सुमन एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। क्या क्या कहा अभी आपने? हर्ष आया था, हमारा हर्ष आया था आपसे मिलने के लिए। खुशी, दुख, आश्चर्य और कठोरता के मिले जुले भाव लेकर सुमन ने बोला,
राजीव ने उसका हाथ पकड़कर उसको बिठाते हुए बोला, हाँ सुमन, तुमने ठीक सुना कि हर्ष हमारा हर्ष आया था मुझसे मिलने के लिए। फिर राजीव ने पूरी बात उसे बता दी। राजीव के मुंह से ये सब सुनकर एक बार फिर से सुमन का दिल पिघल गया था, लेकिन पिछले 5 साल से अपने उस दर्द भरे जीवन को याद करके उसके चेहरे पर एक बार फिर से कठोरता आ गई थी। अब क्या करने आया था वो यहाँ, जब हमें उसकी जरूरत थी तब तो उसने आना तो दूर एक फोन भी नहीं किया। उसको क्या पता कि यहाँ हम पर क्या बीती है, कैसे हमने अपने आप को संभाला है। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, जहाँ से आया है वही लौट जाए वो, कह दीजिएगा आप उससे अब अगर मिले तो, कहकर सुमन उठ चुकी थी और किचन में जाकर राजीव के लिए चाय बनाने लगी। उसके बाद दोनों ने हर्ष की कोई बात नहीं की और रात का खाना खाकर चुपचाप सो गए। सुबह जब राजीव अपने ऑफिस पहुंचा तो देखा कि हर्ष वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। राजीव को देखते ही वो उसके पास आया। पापा, क्या आप मुझे माफ नहीं कर पाएंगे? मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन एक बार मुझे मौका तो दीजिए अपनी गलती सुधारने का। पापा, आपको नहीं पता कि मैंने आपका और मम्मी का दिल दुखाने की सजा पा ली है, कहते कहते वो एक बार फिर से रो पड़ा। राजीव ने उसे गौर से देखा तो पाया कि वो बड़ी ही दयनीय दशा में था। राजीव ने ऑफिस से छुट्टी ली और हर्ष को लेकर घर चला गया। सुमन ने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही सामने हर्ष को खड़ा देखा, आश्चर्य से भरकर बस उसको ही देखने लगी। सुमन कहाँ खो गई हो? जब राजीव ने ये बोला तो सुमन जैसे नींद से जाग गई। तब हर्ष उसके पैरों में गिरकर रो रहा था। सुमन ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी थी। यूं माँ बेटे का मिलन देखकर राजीव की भी आंखें भर आई। उसने फिर उनको घर के अंदर आने को बोला। हर्ष अंदर आ गया तो देखा कि ये एक मात्र कमरे का घर था। उसे अपना पुराना घर याद आ गया, जहाँ उसका कमरा अलग था और बाहर बड़ा आंगन था जहाँ वो बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ खेलता था। लेकिन अब उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और अपने आंसुओं को रोकने की बेवजह कोशिश करने लगा। कुछ देर तो यूं ही खामोशी छाई रही, फिर चुप्पी तोड़ते हुए राजीव ने बोला, अरे सुमन, इतने साल बाद तुम्हारा लाडला घर आया है तो क्या उसे कुछ खिलाओगी नहीं? बस यूं ही उसे भूखा बिठा के रखोगी? जाओ जल्दी से कुछ अच्छा सा बनाकर ले आओ इसके खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगी अपने बेटे को। अभी इसकी पसंद की आलू मटर की सब्जी, पूड़ी, रवा का हलवा, वो भी देसी घी में डूबा और काजू बादाम गिरी से भरपूर बनाकर लाती हूँ। कहते हुए सुमन उठी और हर्ष के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए किचन में चली गई। राजीव ने एक जोड़ी नया कुर्ता पैजामा लाकर हर्ष को दिया और उसको नहाकर फ्रेश होने को बोला। हर्ष उठकर बाथरूम में चला गया और नहाकर वापस आकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों बाप बेटे बस खामोश से थे। हर्ष चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए अपराधियों के जैसा बैठा हुआ था। कुछ ही देर में सुमन गर्मा गर्म सब्जी पूड़ी और हलवा लेकर आ गई और उसने प्लेट हर्ष के सामने रख दी। खाने से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, लेकिन हर्ष की जैसी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो हाथ बढ़ाकर खाना खा ले। उसको वो समय याद आने लगा जब उसकी वजह से यही खाने की प्लेट उसके मम्मी पापा के सामने से छिन रही थी। ये सोचकर ही हर्ष की आंखों से 2 बूंद आंसू की ढुलक कर उसके गालों पर आ गई। उसकी माँ ने तुरंत ही हर्ष के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे सांत्वना दी और खुद ही पूड़ी का एक कोर बनाकर सब्जी में लपेट कर हर्ष को खिलाया। तुरंत ही हर्ष अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत दुख दिया है आपको और पापा को। मैं तो आपका बेटा कहलाने लायक भी नहीं हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम हमारे बच्चे हो और माँ बाप के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं, रोते रोते सुमन ने कहा। फिर शांत होकर हर्ष को अपने ही हाथों से खाना खिलाया। खाना खाकर हर्ष ने सोने की इच्छा जाहिर की। वहीं हॉल में ही वो पड़े एक पलंग पर सो गया। राजीव और सुमन उसे बहुत ही प्यार से देख रहे थे। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि हर्ष की हालत ठीक नहीं दिख रही थी। कुछ तो हुआ था उसके साथ, शायद बहुत बुरा हुआ था। उसको देखकर यही लग रहा था। राजीव ने तय किया कि हर्ष के जागने पर वो उसे उसकी परेशानी का सबब पूछेगा।
हर्ष को यूं चैन से सोता देखकर राजीव और सुमन को उसके बचपन के दिन याद आने लगे कि ऐसे ही खुद में खुद को समेटकर वो सोता था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी सुकून भरी मुस्कान रहती थी और आज भी वो बिल्कुल वैसे ही सो रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि एक उदासी सी छाई हुई थी। कुछ देर दोनों उसे ही देखते रहे, फिर अंदर कमरे में चले गए। राजीव ने सुमन से अपनी चिंता जाहिर की कि उसे लगता है कोई बड़ी बात हुई है। हर्ष के साथ सुमन ने भी राजीव की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, जी आप सही कह रहे हैं, मुझे भी उसके चेहरे की उदासी और दिल में छुपे दर्द से लग रहा है कि कोई बात हुई है जिससे वो टूट सा गया है। कुछ समय के बाद जब हर्ष सोकर उठा तो उसकी माँ ने बढ़िया सी अदरक वाली चाय उसे पिलाई। राजीव ने जब देखा कि अब हर्ष थोड़ा इत्मीनान से हो गया है तो उसने हर्ष को पूछा, बेटा अब बताओ कि क्या हुआ है, क्यों तुम इतने सालों तक हमसे दूर रहे, क्यों तुमने बैंक की कुछ किश्तें देने के बाद उसको देना बंद कर दिया, तुम कहाँ थे इतने साल और ये लुलिया कौन है। लुलिया का नाम सुनते ही एक बार फिर से हर्ष की आंखें नम हो गई, लेकिन किसी तरह खुद को उसने संभाल लिया। राजीव और सुमन ने एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी से हर्ष की तरफ देखा जो शून्य में निहारते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की, पापा मम्मी अमेरिका में मेरी कॉलेज के दिनों में ही मुझे लुलिया मिल गई थी, वो भी मेरे ही साथ MBA कर रही थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जाने कैसे उसे कैसे पता चला कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैंने भी कभी उसे आप लोगों के बारे में नहीं बताया था। फिर जब हम लोगों की पढ़ाई खत्म होने को थी तभी मुझे पता चला कि लुलिया के पापा की अमेरिका में खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी है। लुलिया ने अपने पापा को भी शायद मेरे बारे में यही बताया था कि मैं अनाथ हूँ। कहते कहते हर्ष का सिर झुक गया। राजीव और सुमन उसको हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। फिर जिस दिन हमारा कॉलेज खत्म हुआ और फेयरवेल समारोह था, उस दिन लुलिया के पापा आए थे। लुलिया ने मेरी मुलाकात अपने पापा से करवाई और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दी। मैं बहुत खुश था और मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही हाँ कर दी उस नौकरी के लिए। दो दिन के बाद मैंने लुलिया के पापा की कंपनी ज्वाइन कर ली। मुझे कंपनी की तरफ से एक घर और एक गाड़ी मिल गई थी। 6 महीने के बाद एक बड़ी डील होने की खुशी में लुलिया के पापा ने एक पार्टी रखी। मेरी काबिलियत देखकर उसी पार्टी में उन्होंने मुझे COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाने का ऐलान कर दिया। मेरे साथ साथ लुलिया भी बहुत खुश हो गई थी। ये सुनकर राजीव और सुमन हर्ष की बातें सुन रहे थे। हर्ष ने फिर आगे बोलना शुरू किया, इसी बीच कई बार मैंने लुलिया से आप लोगों के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से हर बार बात अधूरी रह जाती थी और मैं उसको बता नहीं पाया। फिर 2 महीने बाद लुलिया के पापा को हार्ट अटैक हुआ। उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे बुलाकर लुलिया का हाथ और कंपनी की बागडोर मेरे हाथ में दे दी। दूसरे दिन उनकी इच्छा के मुताबिक उन्होंने मेरी और लुलिया की शादी करा दी। 1 हफ्ते में ही फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तक मेरी लोन की सिर्फ 4-5 किश्तें ही जा पाई थी। फिर लुलिया के पापा के न रहने पर मुझे कंपनी से मिला घर छोड़कर लुलिया के साथ अपने पुश्तैनी मकान में ही लुलिया के साथ रहना पड़ा। अब पूरी कंपनी की देखरेख का जिम्मा मेरे कंधों पर आ गया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और मैंने कंपनी का काम भी अच्छे से संभाल लिया था। 3-4 महीने अच्छे से बीत गए और हमारी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई। हर्ष वापस से चुप हो गया और फिर से शून्य में निहारने लगा था। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया, मुझे उस कंपनी में रहते 1 साल हो गया था और इस बीच मैं बस 6-7 किश्त लोन की चुका पाया था। अचानक से फिर हर्ष चुप हो गया। राजीव और सुमन एक दूसरे का मुंह देखने लगे और राजीव ने हर्ष की पीठ सहलाते हुए कहा, बेटा खुल के बोलो कि क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ अमेरिका में। हर्ष की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। फिर शांत होकर दोबारा उसने बोलना शुरू किया, उस दिन मैं और लुलिया बहुत खुश थे क्योंकि सुबह सुबह ही लुलिया ने मुझे अपने बाँ बनने की खुशी सुनाई थी। मैंने उस दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरा दिन लुलिया के साथ कहीं घूमने का मन बनाया था। कुछ देर बाद जब मैं नहाने गया तो आपका फोन आ गया और आपकी लुलिया से बात हुई। जब मैं नहा कर निकला तो लुलिया बहुत ही गुस्से में बैठी थी।
मैंने उससे उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो उसने आपसी हुई बात मुझे बताई और पूछा कि क्या सच में मैं अनाथ नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा हैं। मैंने उसको हाँ बोला और सारी बातें बता दी, लेकिन वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज थी कि मैंने इतनी बड़ी बात क्यों उससे छुपाई और उसकी गलत फहमी को दूर क्यों नहीं किया। अब वो मुझसे नाराज थी, उसे लगने लगा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। इसी गुस्से में वो घर से निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे गया और उसको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अपनी एक सहेली के घर मुझे बिना बताए चली गई। उसके जाने से मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था। मेरा मन और ध्यान किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। लूलिया को मनाने के लिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसको बहुत समझाया, होने वाले बच्चे का वास्ता दिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे धोखा नहीं दे रहा था। एक महीने बाद ही मैं लूलिया को पूरी तरह से समझा बुझा कर अपने साथ वापस घर लेकर आ पाया था। वापस आया तो देखा कि मेरी कंपनी की हालत खराब हो गई थी। काफ़ी डीलर्स हमारे हाथ से निकल गए थे और कई सारे प्रोजेक्ट्स भी समय से पूरे ना होने के कारण कंपनी का काफ़ी नुकसान भी हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जितना संभालने की कोशिश कर रहा था उतना ही नुकसान होता चला जा रहा था। अगले 3 महीनों में कंपनी बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई थी। इसी बीच बैंक से नोटिस आने लगे थे। कंपनी ने जो पैसा बैंक से लिया था उसको चुकाने के लिए कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी और समय निकलता जा रहा था। इसी बीच कई लोगों ने चेक बाउंस का केस भी कंपनी पर कर दिया। कंपनी के शेयर भी गिर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि अब बस कंपनी के बंद होने की नौबत आ गई थी। सबका पैसा चुकाने का बस एक ही रास्ता था कि कंपनी को बेच दिया जाए और सबका पैसा चुका दिया जाए, लेकिन उस समय कोई भी कंपनी को खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा था। बैंक ने हमें 3 महीने का समय दिया था और देखते ही देखते वो 3 महीने यूं ही निकल गए। बैंक ने कंपनी के साथ साथ घर पर भी कब्जा कर लिया था। मैं और लूलिया 6 माह में सड़क पर आ चुके थे। हर्ष ने आगे बोलना जारी रखा था। सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास। एक दोस्त ने कुछ दिन हमें अपने घर पर रखा, लेकिन बिना पैसे के तो कहीं भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे चिंता हो रही थी कि कैसे लूलिया की डिलीवरी करवाऊंगा और बच्चा पालूंगा। फिर एक दिन एक कंपनी से जॉब के लिए कॉल आई और मुझे रख लिया गया। शुरुआती दौर था तो सैलरी भी कम ही थी, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि थी कि कुछ तो पैसा अब हर महीने आता रहेगा। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा सही तरह से चलाने की कोशिश में लग गया। सब कुछ पहले के जैसा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे स्थितियाँ बदलने लगी थी। लूलिया की डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे और मेरी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन वॉक पर जाते टाइम एक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से लूलिया और बच्चा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। कहते ही हर्ष फूट फूट कर रो पड़ा। ये सुनते ही राजीव और सुमन दोनों एकदम सदके में आ गए और आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुमन ने आगे बढ़कर हर्ष को गले से लगा लिया और उसे सांत्वना देने लगी। कुछ देर बाद जब हर्ष का मन हल्का हुआ तो उसने आगे बोलना शुरू किया। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उस कार ड्राइवर ने पुलिस को झूठा बयान दे दिया कि मैंने ही लूलिया को उसकी कार के सामने धक्का दिया था। उसके इस झूठे बयान की वजह से मुझे सजा हो गई। मैंने बहुत कोशिश की अपनी बेगुनाही साबित करने की, लेकिन सब विफल हो गया। हर्ष फिर से चुप होकर शून्य में निहारने लगा। खुद को बचाने के लिए उस ड्राइवर ने पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया, जबकि पूरी पूरी गलती उसी की थी। मैं तो लूलिया से बहुत प्यार करता था और अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश था, लेकिन मैं कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया और मुझे उम्र कैद हो गई। हर्ष ने जब ये कहा तो राजीव और सुमन दोनों ही चौंक गए। क्या कहा तुमने, तुमको उम्र कैद की सजा हो गई थी? राजीव ने आश्चर्य से हर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। तो हर्ष ने हाँ में गर्दन हिला दी और सुमन ये सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
एक तरफ तो तुम बोल रही हो कि लूलिया के कत्ल के इल्जाम में तुम्हें उम्र कैद हो गई थी, दूसरी तरफ आज तुम यहाँ इंडिया में हो। ऐसे कैसे बेटा? राजीव ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा। पापा, सजा तो मुझे उम्र कैद की हुई थी और जेल में मैं 6 महीने रहा भी, लेकिन एक दिन एक पुलिस वाले ने आकर मुझे खबर दी कि मेरी केस फाइल फिर से खुल रही है। लूलिया की मौत की और मेरी उम्र कैद की सजा की खबर अखबारों में छपी थी। ये घटना काफ़ी चर्चा में थी क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और लूलिया वहाँ की मूल निवासी, ऊपर से एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन की बेटी। फिर लूलिया के पापा की मौत, कारोबार मेरे हाथ में आना, लूलिया से मेरी शादी और फिर सब कुछ बिक जाना और अंत में लूलिया और बच्चे की मौत, ये सब बातें संदेह बना रहे थे मामले को और मुझे कसूरवार। जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ था, वैसे तो वो रास्ता सुनसान ही था, लेकिन वहाँ एक बंगला था जो कि रोड से थोड़ा सा हटकर था। लेकिन जब लूलिया का एक्सीडेंट हुआ था तब उस बंगले में कोई नहीं था और उसका मालिक छुट्टियाँ मनाने बाहर गया था। जब 6 माह बाद वो वापस आया तो उसने अपने CCTV की फुटेज देखी थी और उसमें साफ साफ दिख रहा था कि लूलिया की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि गलती सारी उस ड्राइवर की थी। फिर बंगले का मालिक उस फुटेज को लेकर पुलिस स्टेशन गया और उसी की मदद से न सिर्फ मेरी सजा खत्म हुई बल्कि मैं बेकसूर भी साबित हुआ। कार ड्राइवर पकड़ा गया और उसको लूलिया के एक्सीडेंटल और मौत में जिम्मेदार ठहराकर सजा हुई। कुछ दिन उस बंगले के आदमी ने मुझे अपने ही घर पर रख लिया, फिर एक दिन मेरा इंडिया आने का इंतजाम करवा दिया। तयशुदा दिन मैंने इंडिया की फ्लाइट ली और सीधे यहाँ आ गया। आप लोगों को बहुत ढूंढा पर आप लोग नहीं मिले। रहने की मेरी कोई जगह नहीं थी तो मैं बस स्टैंड पर जाकर सो जाता था। फिर जब एक दिन अचानक से साहिल अंकल मिले तो उनसे सभी बातें आपके बारे में पता चली कि कैसे मेरे अच्छे भविष्य के लिए आपने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, कहकर हर्ष राजीव के पैरों पर गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ वो परिस्थितिवश होता चला गया। मैं आप लोगों से और लूलिया से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि सब कुछ गलत ही होता चला गया। पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है। आप लोग आज जिस हालात में हैं उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने जो भी आप लोगों के साथ बुरा किया उसका फल मुझे मिल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि बच्चे से अलग होने पर कैसा महसूस होता है। मैं आप लोगों से दूर रहा इतने साल और बिल्कुल भी आप लोगों की सुध नहीं ली, ऊपर से अपना लोन भी नहीं चुकाया जिसकी वजह से आपको घर बेचना पड़ा। अभी भी हर्ष राजीव और सुमन का हाथ पकड़े रोता रहा और बोलता जा रहा था, पापा मम्मी, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है उन सब बातों का जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को दुखी किया। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। पापा, उन 6 महीनों में जब मैं जेल में था तो पश्चाताप की आग में जलता रहा और शायद मेरे सच्चे पश्चाताप का परिणाम था कि उस बंगले के मालिक मिस्टर जॉर्ज ने वो फुटेज देखा और मुझे छुड़ाने के लिए पुलिस से संपर्क किया। पापा मम्मी, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और मैं वादा करता हूँ पापा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा और आपका पुराना घर वापस ले लूँगा। बस अब आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, हर्ष अपने हाथ जोड़कर रोते हुए बोला। बेटा, तुम्हारा सच्चा पश्चाताप ही तुम्हारी माफ़ी है। लूलिया की मौत एक हादसा थी जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं बेटा, जो हुआ उन सब बातों का बहुत दुख हुआ हमें, लेकिन अब हम सब कुछ भूल चुके हैं और खुश हैं कि तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब तुम भी सब कुछ भूलने की कोशिश करो और एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। बच्चे चाहे कितनी भी बार गलती क्यों ना करें, लेकिन माँ बाप हमेशा उन्हें माफ कर फिर से गले लगा लेते हैं। ऐसा दिल होता है उनका, फिर जब बच्चे सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो भगवान भी उन्हें माफ कर देते हैं। लूलिया की आत्मा आज खुश होगी ये देखकर कि तुमको खुशी मिली। अपने दिल से अपराध बोध कम करके और पश्चाताप करके राजीव ने हर्ष के सिर पर हाथ रख कर कहा। तीनों कुछ पल तक यूं ही एक साथ एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर कुछ देर बाद सबके मन को जब शांति मिल गई तब सब मुस्कुरा उठे।
हर शब्द अपराध बोध से बाहर आ चुका था, एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार था। आज घर में कुछ चहल पहल थी। आज लुलिया और बच्ची के लिए शांति पाठ रखा गया था। लुलिया की मुस्कुराती हुई फोटो पर गुलाब के फूलों की माला चढ़ी हुई थी। सामने पंडित जी के साथ हर्ष बैठा पूजा कर रहा था। सब कुछ अब सामान्य हो चुका था। कुछ दिनों के बाद हर्ष की उसी शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। कुछ सालों के बाद हर्ष ने दोबारा से अपने पुराने घर को खरीद लिया और आज उसने अपने मम्मी पापा को उनका वो घर वापस कर अपने बेटे होने का फर्ज पूरा किया। हर्ष अब राजीव और सुमन के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा था। तीनों बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी रात के अंधेरे में हर्ष लुलिया को याद कर भावुक हो जाता था। उसने अपने दिल में लुलिया की यादें अभी भी एक कोने में सहेज कर रखी हुई थी, लेकिन जब भी हर्ष लुलिया को याद कर उदास होता तो उसे लुलिया की कही बात, तुम मेरे लाइफ हो और मैं तुम्हारी वाइफ, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, याद आ जाती और वो मुस्कुरा उठता और खुद को ही अपनी बाहों में समेट कर लुलिया को महसूस करता। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।